गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पीपीए ट्यूटोरियल में। मैं तनुजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाली, क्योंकि यहाँ पे आप लोग हेडलाइन में देख सकते हैं बिहार तकनीकी सेवा आयोग बीटीएससी एएनएम 10709 से क्या अब न्यूज आ रही है। तो यहाँ पे आप लोग हेडलाइन में देख सकते हैं एंड थंबनेल में भी कि एएनएम बहाली पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी बिहार सरकार। बिहार सरकार अब जाएगी एएनएम बहाली पर सुप्रीम कोर्ट। तो क्या है ये अपडेट, जानते हैं हम लोग पूरा आज की इस वीडियो में। सरकार ने जारी किया, अब आगे क्या होगा, आखिर क्या है इस बीटीएससी एएनएम 10709 का फैसला, अब क्या होगा, आखिर आगे का स्टेप क्या लिया जा रहा है। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं, पहली बार हैं, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर ले। तो चलिए आगे हम लोग इन्फॉर्मेशन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि पेपर के कटिंग के माध्यम से ये न्यूज़ आ रही है कि एएनएम बहाली पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी बिहार सरकार। तो पटना हिंदुस्तान ब्यूरो के माध्यम से आप सभी लोग देख सकते हैं कि राज्य में 10709 एएनएम बहाली मामले पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। जो पटना हाईकोर्ट के माध्यम जो 10709 की वैकेंसी आई है, उसका जो फैसला लिया गया है, उसके खिलाफ में जो है वो राज्य सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने इस मामले पर विधि विभाग और महाधिवक्ता से राय ले ली है। जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर SLP दायर हो जाएगी। देखिए पहले LPA लगा, अब SLP लगने का चांसेस है। तो देखिए क्या होते जाता है। एएनएम बहाली एकेडमिक कोर्स के अंकों के आधार पर करने के हाईकोर्ट में एकलपीठ के फैसले को डबल बेंच ने भी बरकरार रखा था। तो ये भी चीज़ आप सभी को पता है कि इसके पहले डबल बेंच भी लग चुका है। कोर्ट ने कहा था कि एएनएम की बहाली महिला एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम कैडर नियमावली 2018 के नियम 7 के तहत होगी। 10709 एएनएम की नियुक्ति प्रक्रिया 2022 में शुरू हुई थी। चयन प्रक्रिया एएनएम नियमावली 2018 के आधार पर तय की गई थी। इसके अनुसार बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन अर्जित प्राप्तांक के आधार पर किया जाना था। बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने 19 सितंबर 2023 को पूर्व के विज्ञापन में परिवर्तन कर दिया था। देखिए अब क्या होता है, अब इसके आगे फैसला, आखिर एएनएम 10709 की आखिर फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनती है। अब तो एलपीए भी लग चुका है, डबल बेंच भी लग चुका है, अब बचा है आप सभी का एसएलपी लगना। अब एसएलपी भी डायर होने वाला है, अब आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं। तब सुप्रीम कोर्ट के तरफ से देखिए क्या फैसला आता है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर एसएलपी दायर होगी। स्वास्थ्य विभाग ने विधि विभाग से ली राय। और बाकी तो इन्फॉर्मेशन आप सभी को पता है कि ये किस लिए किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, सारा कुछ आप सभी को पता है। तो आई होप आप सभी को ये इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ लगा होगा। तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।